मिरर अगर 110 डिग्री पे रखा हुआ है, से 110 डिग्री पे, तो उसको नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए आप जब डिवाइड करने जाएंगे 360 बाई 110, तो ये वैल्यू 3.26 ऐसे आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन के लिए रूल दो रूल है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो अलग रूल है, एसिमेट्रिकली के लिए अलग है। तो यहाँ एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर से 20 डिग्री पे है। सिमेट्रिकली तब होता है जो 55 डिग्री पे होता है, 110 का आधा 55 डिग्री होता है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें तो आप पहले 360 बाई थीटा किए तो 3.26 आया। तो 3.26 को इस फॉर्मेट में लिखना है, 2n प्लस माइनस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं लिखा 2 इंटू 2 माइनस 0.74। 2 इंटू 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 इंटू 1 अगर लिखते हैं तो 2 में ऐड करना पड़ता है 1.26, तो 1.26 1 से ज़्यादा हो गया, और यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन रखना है, मतलब 1 से कम नंबर रखना है यहाँ पे। तो इसको मैं 2 इंटू 2 2n प्लस माइनस, तो माइनस 0.74 लिखा है मैंने। तो ये 2n का वैल्यू ही नंबर ऑफ़ इमेज होगा सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए, तो 4 नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म होगा। मतलब 110 डिग्री पे दो मिरर अगर रखा हुआ है, 110 डिग्री पे, 110 डिग्री पे, और एकदम उसके सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट अगर आप रख दें 55 डिग्री एक मिरर से बनाकर, तो इसका 4 इमेज फॉर्म होगा टोटल। लेकिन एसिमेट्रिकली अगर रखें आप किसी मिरर के पास और किसी मिरर से ज़्यादा दूर रख दिए, तब उसके लिए फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वैल्यू। 3.26 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, मतलब उसका नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर इस वैल्यू का फाइंड करना है, तो वो 3 वैल्यू होगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 फॉर्म होंगे। तो तीन ही इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है मैं एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए, ये 20 डिग्री इधर से बनाया है, 20 डिग्री, तो मिरर वन में 20 डिग्री इधर एंगल पे इमेज बन जाएगा, फर्स्ट इमेज मिरर वन में बना। अभी मिरर टू को एक्सटेंड पूरा कर देना है आपको, पूरा जितना एक्सटेंड हो सके। तो मिरर वन में एक इमेज बन गया, फिर मिरर टू के सामने आ गया है ये इमेज, तो इस इमेज का एक इमेज बन जाएगा यहाँ, तो इमेज टू बन गया। और ये किस में मिरर बना, मिरर टू में, दो इमेज बन गए। अभी इस ऑब्जेक्ट का मिरर टू में डायरेक्ट इमेज बनेगा, क्योंकि ये 20 डिग्री इधर से था, टोटल 110 है, तो इधर से 90 है, तो इससे 90 डिग्री पीछे एक और इमेज बनाया गया है। तो 90 डिग्री पीछे जाने पे ये खुद एंगल कितना था, 70, क्योंकि ये 110 है तो इधर 70 आएगा, 180 पूरा करना है इसलिए। लेकिन इसको तो 90 पे बनाना है, यानी मिरर को एक्सीड करके इधर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे मिरर वन पहला इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का। तो अब ये तीनों जो, देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों मिरर के पीछे हो गया, रेड वाले के भी पीछे है और ये ब्लू वाले मिरर के भी पीछे है। तो अब इस इमेज का इमेज नहीं बनेगा। इसका इमेज क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ब्लू वाले के पीछे है, रेड वाले के पीछे अभी नहीं आया है, तो इस इमेज का रेड वाले में इमेज बन जाएगा। अभी ये जैसे ही बना, अब ये दोनों मिरर के पीछे है, रेड वाले के भी पीछे है, ब्लू वाले के भी पीछे आ गया है, मिरर के बिहाइंड में आ गया है। तो अब इसका फर्दर इमेज नहीं बन पाएगा और इसका भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मिरर के पीछे आ गया है। तो कुल मिला के 3 इमेजेज फॉर्म हुए, मिरर टू ने दो इमेज बनाया और मिरर वन ने एक ही इमेज बनाया, तो टोटल 3 इमेजेज फॉर्म हुए यहाँ पर। लेकिन सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए अगर 55 डिग्री ऐसे होता, टोटल 110 था तो 55 पे अगर ऑब्जेक्ट होता, तो इसका ये 55 पे एक इमेज बनाता, ये वाला मिरर, मिरर वन ये है और ये मिरर टू है, तो मिरर वन इमेज बनाता इधर से 55, तो इधर से भी 55, और दो ये मिरर और इस मिरर दोनों को एक्सटेंड किया हुआ है, राइट। तो एक एंगल 110 है, तो दूसरे साइड का एंगल होना चाहिए, ये कितना एंगल होना चाहिए, ये दोनों एंगल, ये मिरर और ये मिरर, ये 70 डिग्री एंगल है, 70, क्योंकि 110 प्लस 70 180 होता है, तो ये पूरा लाइन 180 होगा। तो 180 में यहाँ से लेकर और यहाँ तक मिरर तक हो गया है, मिरर तक 110, तो ये दूसरे साइड में ये होना चाहिए 70 डिग्री, राइट। तो ये 55 पे ही बनाना है, यानी मिरर के पहले ही, रेड वाले के पहले ही इमेज ही बना देगा, तो इस इमेज का फिर से इमेज ये रेड वाला बना देगा इधर, तो दो इमेज बनाया ये। वैसे ही इधर भी ये 55 डिग्री पे है, तो 55 डिग्री पीछे ये इमेज बनाएगा, जबकि ये 70 डिग्री पे था, यानी एक और इमेज इस इमेज का इसमें बन जाएगा। तो मिरर वन ने भी दो इमेज बना दिया और मिरर टू ने भी दो इमेज बनाया, तो कुल मिला के 4 इमेज हो गया।
यानी सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ इमेजेज 4 आए, और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के लिए अगर दो मिरर 110 डिग्री पे है तो 3 इमेजेज ही फॉर्म होंगे।